हर मुसलमान सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ये जरूर सुनना। आज मैं कहां से ढूंढ के लाऊं इब्ने सम्मा को, जो कहते हैं कि 40 साल हो गए मैंने कोई नमाज बगैर जमात के अदा नहीं की। आज कहां से लाएं सईद बिन मुसैयब को, जो कहा करते थे 50 साल हो गए मुअज्जिन अजान बाद में कहता मैं पहली सफ में 2 रकते पढ़ के बैठा होता। कहां से ढूंढ पाएंगे हम सुलेमान इब्न मेहरान अल अहमश को, जो कहते हैं लम तफुतनी तकबीरतुल उला मुंज 70 सना, लोगों 70 साल हो गए मेरी तकबीर उला फौत नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हदीस में आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अज़ान और पहली सफ़ में क्या खैर बरकत है तो फिर वह अज़ान और पहली सफ़ को खुरा अंदाजी के अलावा हासिल ना कर सके तो ज़रूर खुरा अंदाजी करेंगे। सही मुस्लिम। इसके अलावा दोस्तों एक दुआ बताता हूँ जो नमाज की पाबंदी के लिए हमें इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि जअलनी मुखीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा।